हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजीएस वीडियोस में प्रेरणा गहलोत। आज हम करेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के फोर लॉ होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आज हम सबसे पहले जीरोथ लॉ करते हैं। जीरोथ लॉ में ये बताता है, यदि कोई भी दो सिस्टम जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यदि इस कंडीशन में एक और सिस्टम पास में रख दिया जाए तो कुछ टाइम बाद ये तीनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाते हैं। थर्मल इक्विलिब्रिया का मतलब है उन तीनों का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो गर्म पानी के ग्लासेस हैं, उन दोनों का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इनके पास में एक और गर्म पानी का ग्लास रखेंगे जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, अब इन तीनों को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। कुछ टाइम बाद देखेंगे जो वहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस था जिन ग्लासेस का टेम्परेचर, वो हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, और जो 30 डिग्री सेल्सियस था वो भी हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर का मोशन वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में ये बताता है कि हम एनर्जी को ना ही जनरेट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट हम एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड यूनिवर्स की ऑल एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड नेम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड यदि कोई भी प्रोसेस होने के बाद में सिस्टम एंड सराउंडिंग जो टोटल एनर्जी में चेंज हुआ है, टोटल एनर्जी में चेंज की वैल्यू जीरो होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में यू वन एनर्जी का कोई सिस्टम है, उसको हमने हीट की क्यू क्वांटिटी प्रोवाइड की है। हीट की क्यू क्वांटिटी प्रोवाइड की, रिटर्न में उससे हमने
W वर्क लिया है, तो हमारे पास U2 एक एनर्जी लेवल आ जाता है, एक न्यू एनर्जी लेवल आता है U2। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, U2 माइनस U1, इसमें चेंज निकालने के लिए हम ये करेंगे U2 माइनस U1। अब U2 माइनस U1 को कैसे लिखते हैं, डेल U, डेल U क्या होता है, चेंज इन टोटल एनर्जी। अब चेंज इन टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन आती है, दी गई हीट माइनस हीटर में लिया गया वर्क। अब यहाँ पे हम वर्क पहले नहीं लिखते, क्योंकि अगर हम उसको किसी सिस्टम को हीट देंगे तब रिटर्न में अपने को वर्क मिलेगा, इसलिए हम हमेशा हीट से ही वर्क को प्लस या माइनस करते हैं। एंड ये इक्वेशन हमारे पास आती है नंबर फर्स्ट, और इसमें फोर कंडीशन होती है। अब वो फोर कंडीशन देखने से पहले हम कुछ पॉइंट है वो नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है कि अगर सिस्टम को हीट दी जाती है तो उसके अंदर Q की Q पॉजिटिव होगा, एंड सिस्टम से हीट ली जाती है तो उसमें Q नेगेटिव होगा। अगर सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करता है तो उसमें W पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करता है तो उसमें W नेगेटिव होगा। अब हम देखते हैं वो फोर कंडीशन कौन सी है। फर्स्ट कंडीशन आती है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है उसको हमने हीट दी है तो क्या हुआ, इसके अंदर सिस्टम में हीट ऐड हुई है, इसमें क्या, सिस्टम को अगर हीट दी जाती है तो क्या आता है, पॉजिटिव Q, ये आ जाएगा पॉजिटिव। अगर सराउंडिंग भी सिस्टम के ऊपर वर्क करता है, क्या हुआ है, सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करता है तो क्या आएगा, प्लस का W। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी डेल U इक्वल प्लस Q प्लस W। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, अगर सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं तो आएगी यहाँ पे प्लस का Q, एंड अगर सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करता है, क्या सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है तो क्या आएगा, माइनस का W, क्योंकि यहाँ से सिस्टम में हीट वो बाहर रिलीज कर रहा है वर्क के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का W। हमारे पास आएगी इक्वेशन डेल U इक्वल प्लस का Q एंड माइनस का W। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, अगर सिस्टम से हम हीट ले रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है तो उसमें क्या होगा, माइनस का Q, और अगर सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, वर्क एड हो रहा है तो आ जाएगा प्लस का W। तो हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन डेल U इक्वल माइनस Q एंड प्लस W। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास, अगर सिस्टम से हीट ले रहे हैं और सराउंडिंग पर भी वो वापस वर्क कर रहा है तो यहाँ पे क्या, सिस्टम से हीट लेंगे तो माइनस का Q, और सिस्टम सराउंडिंग पर भी वर्क कर रहा है तो आएगा माइनस W। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन डेल U इक्वल माइनस Q एंड माइनस W। एंड अगर कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो सराउंडिंग को दी गई हीट और रिटर्न में लिया गया वर्क दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, जिससे डेल Q इक्वल डेल W। अगर इस W को इसे ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल जीरो। अब यहाँ पे क्यू माइनस डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, डेल यू के, तो हमारे पास आ जाएगा डेल यू इक्वल जीरो। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस होने के बाद में सराउंडिंग सिस्टम में जो चेंज इन टोटल एनर्जी उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब हम अगर इस इक्वेशन का फ्रैक्शनल डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास वर्क एंड हीट दोनों क्या है, पास फंक्शन है, लेकिन हमें फ्रैक्शनल डिफरेंशियल करने के लिए हमें स्टेट फंक्शन के वेरिएबल्स चाहिए। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉग इक्वेशन लिखते हैं, डेल यू इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू। अब ये क्या, दोनों पाथ फंक्शन है एंड स्टेट फंक्शन के वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम हीट एंड वर्क की जगह ये वेरिएबल्स लेंगे, हमारे पास आएगा डेल यू इक्वल, एक बार हम प्रेशर एंड टेम्परेचर का फ्रैक्शनल डिफरेंशियल करेंगे एंड एक बार टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डी यू इक्वल डेल यू अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड डी पी प्लस डेल यू अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड डी टी। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम इसका फ्रैक्शनल डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास आएगा डी यू इक्वल डेल यू अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड डी वी। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी थर्ड। अब नॉर्मली फ्रैक्शनल डिफरेंशियल करना सबको आता है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, समेशन ऑफ ऑल एनर्जी, समेशन ऑफ ऑल एनर्जी। जैसे आपको भी सब्सटेंस दे दिया जाए और आपको बोले कि उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी है आप निकाल के बताओ, तो हम उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते। ऐसे थोड़ी है कि हम उसके अंदर थर्मामीटर लगाएंगे और उसका टेम्परेचर देख के बता देंगे कि हाँ इसकी थर्मल एनर्जी इतनी है, क्योंकि वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स एटम न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबसे मिलकर बना है, तो उसके अंदर केवल थर्मल एनर्जी नहीं होगी, उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी भी होगी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसलेशनल एनर्जी थर्मल एनर्जी रिपल्सन एनर्जी एंड अट्रैक्शन एनर्जी। इन सब एनर्जी के समेशन को हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, हम कुछ फर्स्ट लॉ के कोई डेरिवेशन देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन आता है चेंज इन एनर्जी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का फ्रैक्शनल डिफरेंशियल करेंगे हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड आएगी फ्रैक्शनल डिफरेंशियल करने पर, डी ई इक्वल डेल ई अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड डी वी प्लस डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड डी टी। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ में यहाँ पर डी वी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे पास क्या रहा, डी ई इक्वल डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड डी टी। अब हम यहाँ पे डी ई की वैल्यू हम रखने के लिए पहले फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लिखते हैं, डी ई इक्वल
क्यू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू वी। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल पी डेल वी, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ई इक्वल क्यू वी माइनस पी डेल वी। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पे क्या है, डी ई इक्वल क्यू वी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, क्यू वी इक्वल डेल ई अपॉन डेल टी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड डी टी, इस डी टी को हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आएगा क्यू वी अपॉन डी टी इक्वल डेल ई अपॉन डेल टी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड क्यू अपॉन टी को हम बोलते हैं सीपी, सीवी, सीवी, सी होता है हीट कैपेसिटी, एंड यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पे लिखेंगे सीवी, सीवी इक्वल डेल ई अपॉन डेल टी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए ये एक मेजरेबल क्वांटिटी हुई, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी वी इक्वल डी ई अपॉन डी टी। अब हम इस डी टी को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आएगी इक्वेशन डी ई इक्वल सी वी अपॉन डी टी। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिससे हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर एनर्जी में कितना चेंज हुआ है वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं एंथैल्पी एंड हीट कांस्टेंट। एंथैल्पी किसको बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस की हीट हीट अगर कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट की जाए तो उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं और इसकी इक्वेशन होती है एच इक्वल ई प्लस डब्ल्यू। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी एच इक्वल डी प्लस डब्ल्यू क्या होता है, पी डेल वी। अब हम यहाँ पे डी ई की वैल्यू कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन से। फर्स्ट लॉ क्या होता है, डी ई इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एच इक्वल, अब यहाँ पे क्यू, पीछे हमने क्यू वी लिखा था, यहाँ पे हम क्यू पी लिखेंगे क्योंकि एंथैल्पी किसके साथ, कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यू पी माइनस डब्ल्यू क्या होगा, पी डेल वी प्लस पी डेल वी। यहाँ पे प्लस माइनस कट हो जाएगा तो यहाँ पे डी एच किसके इक्वल होगा, क्यू पी के। लेकिन इसमें सॉलिड एंड लिक्विड में उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, इसलिए हम डेल वी को क्या मानते हैं, जीरो। अब हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ की इक्वेशन देखेंगे, क्या आएगा, डेल ई इक्वल क्यू पी माइनस पी डेल वी। यहाँ पे हमने डेल वी को क्या माना है, जीरो, तो ये क्या हो गया, पूरा जीरो। तो यहाँ पे डेल ई इक्वल क्यू पी, यहाँ पे क्यू पी किसके इक्वल है, डेल एच के, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू पी की जगह डेल एच लिखेंगे, तो डेल ई इक्वल डी ई इक्वल डी एच। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम को दी गई एनर्जी उस सिस्टम में चेंज इन चेंज इन एंथैल्पी के चेंज इन टोटल एंथैल्पी के इक्वल होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं चेंज इन एनर्जी एट
कांस्टेंट प्रेशर। अब हम यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे एंथैल्पी को, यहाँ पे आ जाएगा एच इक्वल प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका फ्रैक्शनल डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डी एच इक्वल डेल एच अपन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डी पी प्लस डेल एच अपन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर एंड डी टी। अब यहाँ पे क्या है कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो, तो हमारे पास क्या रहेगा डी एच इक्वल डेल एच अपन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर एंड डी टी। अब हम यहाँ पे एंथैल्पी का फॉर्मूला लगाएंगे डी एच इक्वल डी ई प्लस डेल पी वी। यहाँ पे क्या है कांस्टेंट प्रेशर है तो ये क्या हो जाएगा पूरा जीरो, यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे तो डी एच इक्वल क्यू पी माइनस पी डेल वी। अब हम यहाँ को पी डेल वी को इससे ट्रांसफर करेंगे हमारे पास आ जाएगा क्यू पी इक्वल डी एच माई प्लस पी डेल वी। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम चेंज इन एनर्जी। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे एंथैल्पी को और इसका फ्रैक्शनल डिफरेंशियल करेंगे प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डी एच इक्वल डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डी पी प्लस डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर एंड डी टी। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो, तो हमारे पास रहेगा डी एच इक्वल डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर एंड डी टी। अब हम यहाँ पे एंथैल्पी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा डी एच इक्वल डी ई प्लस डेल पी वी। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, हमारे पास रहेगा डेल एच इक्वल डेल ई। अब हम यहाँ पे डेल ई का डी ई का फॉर्मूला लगाएंगे डी ई इक्वल क्यू पी क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है माइनस पी डेल वी। अब हम यहाँ पे को पी डेल वी को इससे ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा क्यू पी इक्वल डी ई प्लस पी डेल वी। अब यहाँ पे क्या है डी ई प्लस पी डेल वी क्या होता है एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू पी इक्वल डी एच और यहाँ पे डी एच की वैल्यू हमारे पास ये दी, तो यहाँ पे क्यू पी इक्वल डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड डी टी। अब हम यहाँ पे डी टी को इससे ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आएगा क्यू पी अपॉन डी टी इक्वल डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड क्यू अपॉन टी को क्या बोलते हैं हीट कैपेसिटी, तो यहाँ पे आएगा सी पी क्योंकि यहाँ पे सी पी क्यों लगाएंगे कॉन्स्टेंट प्रेशर है इसलिए सी पी इक्वल डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या रखी अपने पास सी पी, यहाँ पे आ जाएगा डी एच इक्वल सी पी एंड डी टी, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया है कि इसमें कांस्टेंट प्रेशर पर एनर्जी में चेंज निकालने का। ओके नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अगर किसी भी सिस्टम में टेम्परेचर की वैल्यू जीरो होगी तो उसमें एनर्जी की भी क्या होगी जीरो। अब हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ देखते हैं डेल ई इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू, अब यहाँ पे क्या है एनर्जी की वैल्यू क्या है जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा जीरो इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू।
अब हम यहाँ पे W को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी Q इक्वल W। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो उसमें जितनी हीट हम उस सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे उतना ही हमें वर्क मिलेगा। वर्क एंड हीट दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। नेक्स्ट हम लेते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन होती है किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए दी गई हीट को हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते हैं। इसकी फॉर्मूला होता है dQ/dT। अब हम हीट कैपेसिटी अगर कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा CP इक्वल dQ/dT, एंड अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर करेंगे तो हमारे पास आएगा CV इक्वल dQ/dT। अब हम यहाँ पे एंथैल्पी का फॉर्मूला लगाते हैं dH इक्वल E+W। अब E क्या है? E की वैल्यू होती है dQ-P∆V+P∆V। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा QP। डेल P∆V कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा, dH इक्वल dQP। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा dQP, और हमारे पास dQP की वैल्यू हमारे पास ही आ गई, तो आएगा CP इक्वल ∆H/ΔT कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हम प्रेशर पर इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है CV इक्वल dQ/dT। अब हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ की इक्वेशन देखते हैं, dE इक्वल dQ कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो यहाँ पे आएगा dQV-P∆V। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसकी जगह क्या है लिखेंगे हम, dE। CV इक्वल ∆E/ΔT कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम इन दोनों में CP एंड CV में रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, हमारे पास आएगा CP-CV। CP क्या होता है, ∆H/ΔT कांस्टेंट प्रेशर माइनस CV ∆E-ΔT कांस्टेंट वॉल्यूम। हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे एंथैल्पी का फॉर्मूला लगाएंगे, H इक्वल E+P∆V। अब हम इसका फ्रैक्शनल डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ∆H/ΔT, एंथैल्पी किस पे होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हमारे पास आएगा P। यहाँ पे हम प्रेशर को कांस्टेंट मानेंगे, इक्वल ∆E/ΔT कांस्टेंट प्रेशर प्लस P ∆V/ΔT कांस्टेंट प्रेशर, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ∆H/ΔT कांस्टेंट प्रेशर की क्या है, वैल्यू मिल गई है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास आएगा CP-CV इक्वल ∆E/ΔT कांस्टेंट प्रेशर प्लस P ∆V/ΔT कांस्टेंट प्रेशर माइनस ∆E/ΔT कांस्टेंट वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लिखेंगे, ∆E इक्वल
डेल ई अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी प्लस डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड डी टी हमारे पास है। अब हम इसको इस इक्वेशन में डी टी को डिवाइड करेंगे और इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वेशन डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर इक्वल डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर प्लस डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डेल टी अपॉन डेल डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। अब डेल टी कट हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू किस में रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में कहाँ पे डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम में हमारे पास इक्वेशन आएगी सीपी माइनस सीवी इक्वल डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर प्लस डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम नेगेटिव है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या रहा सी पी माइनस सी वी डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। अब हम यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आएगी सी पी माइनस सी वी इक्वल डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर एंड इन दोनों को हम लोग ले लिया कॉमन तो हमारे पास आएगा डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। अब हम यहाँ पे डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर को हम इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। ये एटम्स द्वारा कोएसिव फोर्स के अपोजिट एक्सपेंशन में लगाया जाता है। अब कोएसिव फोर्स किसको बोलते हैं? कोएसिव फोर्स एक ही सब्सटेंस के एटम्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? कोएसिव फोर्स एक ही सब्सटेंस के एटम के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उसको बोलते हैं कोएसिव फोर्स। लेकिन सॉलिड एंड लिक्विड में इंटरनल प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है एंड गैसेज में इसकी वैल्यू कम होती है और आइडियल गैसेज के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये इंटरनल प्रेशर एब्सेंट होता है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर को जीरो। तो हमारे पास क्या रहा सी पी माइनस सी वी इक्वल डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस पी। अब हमारे पास क्या आता है पी वी इक्वल एन आर टी। अब हम टी को इससे ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आएगा पी वी अपॉन टी इक्वल एन आर। अब हमारे पास ये क्या है पी वी अपॉन टी, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं एन आर।
आएगा सीपी माइनस सीवी इक्वल एनआर। एन को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मानते हैं, इसको हम एक मानते हैं, तो हमारे पास आएगा सीपी माइनस सीवी इक्वल आर। ये होता है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। नेक्स्ट हम लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ हमें हीट डायरेक्शन, हीट फ्लो की डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। सेकेंड लॉ में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट आता है प्लांक केल्विन स्टेटमेंट। प्लांक केल्विन ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि ऐसा कोई भी इंजन अब तक बनाना पॉसिबल नहीं हुआ है, ऐसा कोई हीट इंजन का फॉर्मेशन करना इम्पॉसिबल है जो एक ही साइकिल में, जो एक ही या पूरे साइकिल में काम करते हुए केवल एक मास से ही हीट ले, केवल एक मास से ही हीट ले, और वो जिस सिस्टम में वर्क कर रहा है उस सिस्टम में कोई भी चेंज लाए बिना, क्या सिस्टम में बिना चेंज किए उस पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। एंड सेकंड स्टेटमेंट दिया है क्लेसियस स्टेटमेंट। क्लेसियस ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि बिना एक्सटर्नल वर्क किए, बिना एक्सटर्नल वर्क किए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर हीट का फ्लो नहीं हो सकता। किसी भी सिस्टम में ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर हीट का फ्लो करने के लिए हमें उसको एक्सटर्नल वर्क देना ही पड़ता है। ये दोनों सेकंड लॉ के स्टेटमेंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ करने से पहले हम कुछ टर्म देखते हैं। फर्स्ट आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी होता है मेजर ऑफ डिसऑर्डर। मतलब मॉलिक्यूल्स कितनी दूरी तक मूव कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परम शून्य ताप। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? -273.15 डिग्री सेल्सियस, या इसके लगभग बराबर। नेक्स्ट टर्म आती है परफेक्ट क्रिस्टल। परफेक्ट क्रिस्टल बोलते हैं सेम साइज के मॉलिक्यूल्स, जो परफेक्टली अरेंज हो,
मतलब उनके बीच में कोई भी मोमेंट नहीं हो, बिल्कुल भी एकदम थोड़ा सा मोमेंट हो, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल। अब हम थर्ड लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। थर्ड लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल किसी परफेक्ट क्रिस्टल की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि अगर कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल होगा उनके बीच में बिल्कुल भी मोमेंट नहीं होगा। और वो परफेक्ट क्रिस्टल कब होगा, उसकी टेम्परेचर कितना होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर उनमें बिल्कुल भी मोमेंट नहीं होगा तो उनमें क्या होगा, एंट्रोपी की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में कितनी दूरी तक वो मोमेंट्स कर सकते हैं, अगर इनमें मोमेंट नहीं होगा तो उनमें एंट्रोपी क्या होगी, जीरो। ये होता है थर्ड लॉ। ओके,